फ्रेंड्स, परफेक्शनिस्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 4th of October है और यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था, तो आज हम लोग उपस्थित हैं उस पेपर के एनालिसिस के साथ। फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि इस बार कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, जो कि अन्य सालों से अलग है, अन्य वर्ष से अलग है, उसकी बात करते हैं। तो इस साल करेंट के क्वेश्चंस काफी कम रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जो फोकस रहा है वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पे रहा है, एंड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में नो डाउट कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करंट से ऐड करके पूछा गया है, डायरेक्टली वो करंट डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, उनको करंट के साथ मिक्स करके पूछा गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि साइंस के क्वेश्चंस का भी जो वेटेज है वो वेटेज बढ़ गया है इस बार। पहले 7-8 क्वेश्चंस आ रहे थे, इस बार उससे ज्यादा क्वेश्चंस है, 11 क्वेश्चंस है। तो एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ और उनका जो टफनेस लेवल है उस लेवल की बात करते हैं और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो टोटल 17 क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि बहुत ही एंशियंट से बहुत ही डीपली भी फैक्ट्स भी पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि आपको ज्यादातर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं के अंदर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो टोटल 17 है और इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफी टफ है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट और इजी लेवल के भी है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा है और कुछ क्वेश्चंस का लेवल तो बहुत ही ज्यादा है, जिसको फिर टफ के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी काफी इजी पूछा गया है विद और सालों की अपेक्षा, लगभग 15 क्वेश्चंस है पॉलिटी से और इन 15 क्वेश्चन में से आप 12-13 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते थे अगर आपने कई बार बुक्स को पढ़ा होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो, ठीक है। इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर कोर ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें एक चक्रवात से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था, साइक्लोन से रिलेटेड उसको, और एक मैप बेस्ड क्वेश्चंस को छोड़े, एक दो मैप बेस्ड क्वेश्चंस को छोड़े तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है लगातार जो पहले के साल का था कि वो आपको ज्यादातर जो अप्लाइड ज्योग्राफी उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो कोर ज्योग्राफी है उसके अंदर से 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इस बार भी। इसके अगर एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें मॉडरेट लेवल में आप रख सकते हैं। टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है जो कि मोर एंड लेस और सालों की अपेक्षा ही रहा है। इसके बाद इकोनॉमी की देखें तो इकोनॉमी का जो वेटेज है तो थोड़ा सा बढ़ गया है और इकोनॉमी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसमें रिपोर्ट्स जो भी करंट रिपोर्ट्स आए हैं, जो भी जैसे कि केसीसी से रिलेटेड, आईएई से रिलेटेड वो जो रिपोर्ट्स आए हैं, इन रिपोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो अब जो आगे का जो एनालिसिस करता है वो ये भी बोलता है कि आपको रिपोर्ट्स को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें डीपली क्वेश्चंस भी आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक रेट से रिलेटेड एक आपको मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड पूछा गया था, या फिर आपने देखा होगा कि करंट मार्केट कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पूछे गए। तो ये थोड़े इजी क्वेश्चन भी थे लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए वो काफी डीप एनालिसिस के साथ पूछे गए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो गवर्नमेंट के रिपोर्ट से पूछे गए हैं, तो इसमें और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि साइंस से काफी क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, 7-8 क्वेश्चंस की अपेक्षा इस बार 11 क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली साइंस से हैं, बायो से भी हैं और आप फिजिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप काफी आसानी से देख सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि साइंस के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो करेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी उनका जो परसेंटेज वो काफी कम गया है, वो 5 या 6 क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली जो जिनको कह सकते हैं कि हाँ ये होलसोल ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो 5-6 क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली जो कि सिर्फ और सिर्फ करंट से रिलेटेड है। इसके अलावा आईआर यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इससे काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग एनालिसिस करें पेपर का तो हम पाएंगे कि पेपर जो था मोर एंड लेस थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा था और 18 के और 19 की बात करें तो उसी कैटेगरी के अंदर आप रख सकते हैं।
क्वेश्चन को और कुछ सेक्शंस को उन्होंने काफी टफ किया, लाइक कि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो बनने वाले वो सभी से बन जाएंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, और कुछ जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो काफी डीपली फैक्ट्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही था, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड इसका आंसर की को लेकर उपलब्ध होंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर।